हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं कुठैलहड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता देशराज मोदगिल ने शनिवार को ऊना के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मौजूदा कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर पर जोरदार हमला बोला। देशराज मोदगिल ने विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक को जमकर आड़े हाथ लिया। इस मौके पर उन्होंने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर को उन्हीं का वादा याद दिलाते हुए पूछा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से यह वादा किया था कि यदि मैं पानी की समस्या को हल नहीं कर पाया तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। देशराज मोदगिल ने कहा कि वीरेंद्र कंवर को अपने किए वादे के मुताबिक अब राजनीति से पीछे हटना चाहिए। वह विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जल समस्या को हल करने में पूरी तरह नाकाम रहे। इस मौके पर उन्होंने विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा पर भी निशाना साधा। ये कुठैलहड़ क्षेत्र की बात करें तो मंत्री जी ने पिछले चुनाव में जब 2017 का चुनाव लड़ा था तो जोर शोर से जनता में एक वायदा किया था कि मैं सत्ता में आता हूं, मैं जीतता हूं तो 100 दिनों के अंदर पानी की समस्या हल करूंगा। और इसके साथ उन्होंने बोला था कि अगर मैं पानी की समस्या का हल नहीं कर पाया तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। आज स्थिति ये है कि कुठैलहड़ के पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या यथावत विद्यमान है, वो बिल्कुल हल नहीं हुई है। लोग बरसात के मौसम में भी पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे वो सोड़ा सिंगी धार का मुछाली वार्ड जिला परिषद वार्ड है वो क्षेत्र हो, या रामगढ़ धार का एरिया हो या दूसरे क्षेत्र, हर क्षेत्र में इस वक्त पानी की गंभीर समस्या है। लोगों को 8-8 दिन बाद 6-6 दिन बाद पानी मिल रहा है। इनके जगह जगह दीवारों पर ये लिखे हुए स्लोगन तो नज़र आ रहे हैं कि जल जीवन मिशन, हर घर में नल, नल में पर हर घर में नल तो है पर नल में नहीं है जल, बिना जल से नल, आज स्थिति ये है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ मंत्री जी को कि आपने बड़े ज़ोर शोर से वायदा किया था कि अगर मैं आता हूँ तो पानी की समस्या का हल करूँगा और अगर नहीं कर पाया तो वोट नहीं मांगूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब कार्यकाल खत्म हो गया है और पानी की समस्या हल नहीं हुई तो क्या अब वो वोट नहीं मांगेंगे, क्या अब भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? और अगर मॉरली तो यही बनता है, उन्होंने कहा है कि मैं वोट नहीं मांगूंगा तो वोट ना मांगे और चुनाव भी ना लड़े। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव देशराज मोदगिल ने भाजपा को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेशों में सत्ता संभालने के बाद भाजपा ने लगातार लोकतंत्र की हत्या की है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस विधायकों की खरीदो फरोख्त इस श्रेणी में गिनी जाती है, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकारों को असंवैधानिक तरीके से तोड़कर भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। देखिए, ये जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी है और दूसरे प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, तो इन्होंने जो हर जगह ये चुने हुए लोगों की खरीद फरोख्त का जो क्रम चलाया है, हर जगह, कई जगह इन्होंने बड़े बड़े संख्या में विधायकों को खरीद कर और सरकारें पलटी हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर और अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर, और ये हिमाचल का आप जैसे आपने प्रश्न पूछा, तो ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर मामला है। जो विधायकों को खरीदो फरोख्त करना, चुने हुए लोगों को खरीद के उनका दल बदलाना, तो ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं और राजनीतिक मूल्यों की ये गिरावट है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वेगनार,
गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।